बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरमेंट की केमिस्ट्री टू वाटर वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर द वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिजीजेज जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि वाटर की वजह से होती हैं। ठीक है, वाटर के अंदर डिफरेंट कंटेमिनेंट्स की वजह से ये डिजीजेज होती हैं, और हम इन डिजीजेज को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं कि भाई ये वाली डिजीज हुई है। ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स साइंस वगैरह जो कि डेवलप हो जाते हैं इन दैट इंडिविजुअल, उनके बेसिस पे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। ह्यूमन वेस्ट आर डम्प्ड ऑन द ग्राउंड और इनटू द नियरेस्ट स्ट्रीम। ह्यूमन वेस्ट कंटेन्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब क्या हो रहा है कि दैट जब ह्यूमन वेस्ट को डंप किया जाता है ग्राउंड के ऊपर, या फिर क्या होता है कि नियरेस्ट स्ट्रीम के अंदर, यानी वो कोई नहर हो गई, कोई और वाटर बॉडी होगी, ठीक है, उसके अंदर जो है जब इन ह्यूमन वेस्ट को डंप किया जाता है, तो ये जो ह्यूमन वेस्ट होता है ये डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है, जो कि पानी के थ्रू, फूड के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत सारे डिफरेंट तरह के डिजीजेज जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। ठीक है, केमिकल एंड बैक्टीरियल कंटेंट इन लाइफ स्टॉक वेस्ट कैन पोल्यूट सर्फेस एंड द ग्राउंड वाटर, कॉजिंग अबव मेंशन डिजीजेस। अब क्या होगा कि दैट डिफरेंट तरह के केमिकल्स और बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीजेस कॉज हो सकती है। जैसे हेपेटाइटिस ए जो है, जो कि एक वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से असल में कॉज होती है, वायरस की वजह से कॉज होती है। ठीक है, जो कि इस वाटर के अंदर मौजूद है, ये कैसे पास होती है, थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अगर इस ड्रिंकिंग वाटर के अंदर ये वायरस मौजूद है तो ये हेपेटाइटिस ए कॉज करेगा। ठीक है, अनक्लीन वाटर सप्लाईज, पुअर सैनिटेशन एंड पुअर हाइजीन किल 2668,000 पीपल वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। ओके, सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दीज डिफरेंट डिजीजेस जो कि वाटर की वजह से कॉज होती हैं। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर कि ये डिजीज बेसिकली कौन से ऑर्गन को या किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, फिर हम देखेंगे किसकी वजह से कॉज होती है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, वायरस है, किसकी वजह से कॉज होती है, देन हम ये देखेंगे कि इस डिजीज को पहचाने कैसे जाता है। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि भाई हो सकता है ये वाली डिजीज कॉज हुई, और फिर टेस्ट के थ्रू वो कंफर्म हो जाता है। जैसे सबसे पहले डिजीज आपको जो बताई गई है, दैट इज कॉलरा। कॉलरा एक इंटेस्टाइनल डिजीज है जो कि लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरियाज की वजह से कॉज होती है, जिनमें ई कोलाई या फिर विब्रियो कॉलरा जो है वो कॉमन बैक्टीरिया है जो कि इस डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये डिजीज जो है वो कॉज होती है बिकॉज ऑफ द वाटर, अगर वो वाटर कंटेमिनेट हो बाय द ह्यूमन वेस्ट। ठीक है, एनिमल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह की वजह से कॉलरा की डिजीज कॉज नहीं होती। अच्छा, जिस बंदे को कॉलरा होता है उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और पर्जिंग, उसके अंदर ये सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इस बंदे को कॉलरा हुआ। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज, दैट इज डायसेंट्री। डायसेंट्री भी एक इंटेस्टाइनल डिजीज है, लेकिन किसी बैक्टीरिया की वजह से कॉज नहीं होती, बल्कि एक पैरासाइट एंट अमीबा की वजह से कॉज होती है। ठीक है, अब ये जो इन्फेक्शन है ये कॉज होता है बाय द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, अगर इसके अंदर फीसेस ऐड हो जाए। ठीक है, या फिर फूड बाय इंसिस्टेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उस फूड या उस वाटर की वजह से कॉज होती है जिसके अंदर ये पैरासाइट मौजूद हो। ठीक है, पेशेंट्स हैव माइल्ड सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, पेट में दर्दें शुरू हो जाती हैं, डायरिया शुरू हो जाता है, चॉकलेट कलर स्टूल होता है विद म्यूकस एंड समटाइम्स विद ब्लड, तो फिर हम कह सकते हैं इस बंदे को क्या है, डायसेंट्री है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड जॉन्डस। जॉन्डस क्या है, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिवर। ठीक है, अब क्या होता है असल में कि जो लिवर है उसके अंदर से एक्सेस बाइल स्क्रीट होना शुरू हो जाता है, जो कि ब्लड के अंदर इंटर होने शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से स्किन जो है वो येलो होना शुरू हो जाती है, आईज येलो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होगा कि इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट होना शुरू हो जाती है, वीकनेस और फटीग वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाती है। देन हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज एपेटाइटिस। एपेटाइटिस में क्या होता है कि लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर हो जाती है, एंड इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो पोल्यूटेड वाटर से स्प्रेड होते हैं। देन हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज द टाइफाइड। टाइफाइड भी इंटेस्टाइनल डिजीज है। ठीक है, और ये ऐसे वाटर से कॉज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होंगे, जैसे सेल्मोनीला टाइफाई, सेल्मोनीला पैराटाइफाई
एंड सेलमोनेला एंट्रिडिस, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय द फीवर, ठीक है, जिसमें फीवर जो होता है वो 101 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, एंड इररेगुलर पल्स होती है, ठीक है, हार्ट बीट जो है वो वेरी कर रही होती है, और फीवर जो होता है वो कॉन्स्टेंटली इतना रहता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डिजीजेज हैं आपकी, ठीक है, जो कि वाटर की वजह से कॉज होती हैं, वाटर के अंदर डिफरेंट कंटेमिनेंट्स की वजह से कॉज होती हैं, पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस वगैरह हो गए, उनकी वजह से कॉज होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में इस चैप्टर के अंदर से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताऊंगी कौन सा टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सा एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह फिर आपके लिए आज अपलोड कर दूंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। और आई वुड सजेस्ट कि पेपर इस चैप्टर की तैयारी करने से पहले ही उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की तैयारी करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे।